सुवर्णकोट में एसओजी और सेना को मिली सफलता, तलाशी अभियान के दौरान घर दबोचे तीन संदिग्ध, लाखों की नकदी, दो पिस्टल, चार मैगजीन बरामद। सेना का फर्जी कर्नल चढ़ा सांभा पुलिस के हत्थे, बारहवीं की छात्रा की अस्तम लूटने का किया प्रयास, विजयपुर पुलिस स्टेशन ने किया गया मामला दर्ज। मुबारक मंडी में लगी प्राचीन घड़ी की टूटी खामोशी, जम्मू हेरिटेज सोसाइटी के प्रयासों ने फूकी नई जान, दूर दूर तक सुनाई दे रही हर घंटा के बाद घंटे की आवाज। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। सबसे पहले आपको डोडा लिए चलते हैं। आपको बता दें कि डोडा से एक खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि एक सड़क हादसा होने का जो खबर है वो देखने को मिली। डोडा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला अभी भी जारी है और इसी के साथ डोडा के असर इलाके में बस हादसे का शिकार हो गई है और जिस हादसे में कई लोगों के हताहत होने के भी अंदेशे जताए जा रहे हैं। वहीं पर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर रवाना हो चुके हैं। आपको इस खबर से हम रूबरू करवा रहे हैं जो खबर डोडा के असर इलाके से सामने आ रही है। जिस तरीके से डोडा से आए दिन सड़क हादसों की खबर आपको देखने को मिलती है और कई बार जो है सड़क हादसे होते हुए नजर आते हैं जिसमें कि कई लोग जो हैं वो हताहत होते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वहीं पर आज एक और ऐसा ही हादसा फिर पेश आया है डोडा के असर इलाके में। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वहीं पर आप देख सकते हैं जो वाहन है वो कितनी गहरी खाई में जाकर गिरा है, जिसकी वजह से कई लोगों के हताहत होने की जो खबर है वो भी सामने आई है। क्या कुछ जानकारी है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आप तस्वीरें देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जो कि हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वाहन काफी गहरी खाई में गिरा, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा है पेश आया और कई लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। इस बीच किस तरीके से सड़क हादसा पेश आया है और अभी क्या कुछ ग्राउंड से खबर आ रही है, क्या अपडेट आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। और वही बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए थे और वहां पहुंचे। वहीं पर अगर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो आप तस्वीरों में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खाई थी वो कितनी ज्यादा गहरी थी जिसमें कि ये जो वाहन है ये गिरा, जिसकी वजह से जो हादसा है वो पेश आया है। वहीं पर अगर बात करें हम लोग डोडा की, तो डोडा इलाके में काफी बार ऐसी खबरें आती हैं जहां पर जो सड़क हादसे हैं वो होते हैं और इन सड़क हादसों की वजह से कई लोग घायल होते हैं और कई लोगों की जो मृत्यु है वो भी हो जाती है। इस बीच आज फिर एक ऐसा ही सड़क हादसा पेश आया जो कि डोडा के असर इलाके से सामने आया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खाई में जाकर जो गाड़ी है वो गिर गई, जिसकी वजह से काफी लोगों के हताहत होने की जो खबर है वो सामने आई है। हमारे साथ वसीम गट्टू यहां पर डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं, तो वसीम से पूरी जानकारी लेंगे। वसीम, आपसे पहले जानना चाहेंगे इस पूरे हादसे के बारे में, आप दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको बताया कि अभी 11:40 के आसपास हमारे पास खबर पहुंची, किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ एक बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हुई। हमारा जो असर का एरिया है मतरंगुल ब्रिज के पास से गाड़ी हादसे का शिकार हुई, बड़ी खाई में गाड़ी चले गई है, जिसका नंबर JK02CN और 65555 इस गाड़ी का नंबर है। और अभी तक जो खबर हमारे पास पहुंची है 40 से 50 लोग इस गाड़ी में बैठे थे, 5 लोगों की मरने की खबर भी सामने निकल के आई है। और जिस तरह से अभी डिप्टी कमिश्नर और SSP से हमने बात की, वो मौके पे पहुंचे और बड़े पैमाने पे वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया। चाहे हम NGOs की बात करें, मकामी लोगों की बात करें या आर्मी की बात हम करें, वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया और जो भी जख्मी लोग हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे वसीम की जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है तो क्या कोई खबर आ रही है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं, इसके ये कोई आंकड़ा अभी तक सामने आया है? देखिए अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया, जो हमने कंफर्म किया है कुछ लोगों से या पुलिस के लोगों से, उन्होंने ये बताया कि 4 से 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है इसमें। और जो पुलिस के लोगों का ये भी मानना है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी मानना है कि 40 से 50 लोग इस गाड़ी में सवार थे, क्योंकि बड़ी बस है ये जम्मू की तरफ इस टाइम जाती है और हादसे का शिकार असर के करीबी इलाका है, वहां पे हादसे का शिकार हुए, बड़ी खाई में ये गाड़ी चले गई है। बताना मुश्किल होगा कि कितने लोग इसमें प्रॉपर कितने लोग थे और कितने लोगों की मौत इसमें हुई है,
क्योंकि दूर दराज का इलाका है। अभी कुछ देर के बाद फिर से हम आपको अपडेट देंगे, बताएंगे कि गाड़ी का कारण क्या था, किस कारण गाड़ी हादसे का शिकार हुई। जी बिल्कुल वसीम, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। डोडा से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं और एक बहुत एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो है वो डोडा बनता जा रहा है, जिसमें कि आए दिन बस जो है वो हादसे का शिकार होती है, या फिर अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों के भी जो किस्से हैं वो सामने आते हैं, तो इस बीच कारण क्या है? और पिछले अगर हम एक महीने की भी बात करें तो पिछले एक महीने में काफी ज्यादा जो सड़क हादसे हैं वो डोडा से सामने आए हैं। पल्लवी देखिए, अक्सर मैं स्टोरी करता रहता हूँ, आपने देखा होगा क्रैश बैरिकेड्स पे हम सवाल उठाते हैं, जनता सामने आती है, मगर हम देख रहे हैं कि जहां जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की नजर होती है वहीं पे सिर्फ क्रैश बैरिकेड्स लगाते हैं। जहां पे जनता डिमांड करती है जगह पे क्रैश बैरिकेड होना जरूरी है। ये मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि अभी किस कारण वहां पे गाड़ी हादसे का शोर, मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पे क्रैश बैरिकेड्स लगाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, वहां पे काम नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार पे भी उठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे उठते उस पर भी उठते हैं। हमारा यहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल बनाया गया था जो नेशनल हाईवे 244 पे, और आज की डेट में आप देखेंगे वो डिफंक पड़ा हुआ है। तो देखना ही होगा कि सरकार किस तरह से काम करेगी। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो आज बड़ा एक हादसा सामने निकला है, बड़ा दुख मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चनाब खिता जो है एक सवालों के घेरे में होता है, क्योंकि जब भी यहाँ से खबर निकल के आती है तो यही सुनना पड़ता है कि यहाँ पे एक हादसा हुआ। आज फिर से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ गाड़ी जा रही थी और असर के नजदीक वो हादसे का शिकार हुई। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वसीम गट्टू, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो बस सड़क हादसे का शिकार हुई है। हालांकि अभी तक पूरी जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आई है, जैसे ही कोई और जानकारी भी इस हादसे को लेकर मिलेगी उससे भी आपको रूबरू जरूर करवाया जाएगा। तो चलिए अब पुंछ जिले की तरफ चले। पुंछ जिले में आज पुलिस की एसओजी और सुरक्षा बलों की टीम ने अलग अलग जगह पर तलाशी अभियान चलाया। जिले की सोरेनकोट तहसील के सैला बोनी खेत और सेत बकर क्षेत्र में तड़के पौने 3 बजे के करीब संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने के बाद एसओजी सोरेनकोट, एसओजी राजौरी और एसओजी पुंछ द्वारा सेना की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस तलाशी अभियान के दौरान 3 लोगों को दबोचा भी गया है और उनके पास से लाखों रुपए की नकदी, 2 पिस्टल और 4 मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, और वहीं पर आकाश मलिक हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि पूरा क्या कुछ मामला है और किस तरीके से अभी तक इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया है। तो आकाश, पहला सवाल तो आपसे मेरा यह रहेगा कि जिस तरीके से एसओजी की टीम्स ने अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया और संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, तो उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? हाँ जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, ये तहसील सोरेनकोट का बफलियाज एरिया जिसपे जो है कल सिक्योरिटी फोर्सेस और जो है पुंछ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी आज मिली है, और कल से ही जो है बड़े पैमाने पे इस इलाके में सैला इलाका है, सैला बुनी खेत, इस पे बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 2 लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें 2 पिस्टल्स और 4 मैगजीन और कुछ नकदी पैसा भी बरामद हुआ है। इस वक्त जो है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन है, सेना और पुलिस ने बड़े पैमाने पे इस इलाके को घेरे में लेके जो है अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी। जी पल्लवी, बिल्कुल आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि ये जो 5 संदिग्ध जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या इनकी पहचान कोई सामने आई है अभी तक? जी पल्लवी, 2 लोग जो है इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, 5 नहीं 2 लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई है, और अभी भी जो है इनसे पूछताछ चल रही है, अभी तक जो है इनका नाम सामने नहीं आया, जो इन कोई भी डिटेल्स आएंगी वो शेयर की जाएंगी। जी पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से आकाश ने बताया कि अभी तक जो है 2 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान अभी तक सामने आई है और उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो क्या कुछ निकल कर चीजें आती हैं वो भी देखना है। सेना के फर्जी कर्नल बनकर 12वीं कक्षा की छात्रा की अस्पत लूटने की कोशिश करने वाले एक शख्स को सांबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान श्यामलाल पुत्र शंकरदास निवासी केसो मनहासा सांबा के रूप में की गई है। इस खबर पर हमारे से ऋषि खजूरिया ज्वाइन करेंगे और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस व्यक्ति की, जो कि आर्मी का फेक कर्नल बनकर एक 12वीं छात्रा की लड़की जो थी, 12वीं कक्षा में जो ये छात्रा थी ये पढ़ती थी, और इसके साथ बदसलूकी करने का जो मामला है वो सामने आया, जिसके बाद से अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी की जो पहचान है वो बताई जा रही है श्यामलाल, जो कि
ये बताया जा रहा है कि केसो मनहासा का रहने वाला है और सांभा में ये इसकी गिरफ्तारी हुई है, सांभा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है ये भी जानना जरूरी है और फर्जी कर्नल बनकर किस तरीके से इसने 12वीं कक्षा के छात्रा की अस्मत लूटने की कोशिश की है और इस शख्स को जब सांभा पुलिस ने गिरफ्तार किया तो क्या कुछ और पन्ने खुलकर सामने आए हैं वो भी देखना है। ऋषि हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, पहले आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, एक बड़ी जानकारी जो है वो सांभा पुलिस ने जारी की है। मैं आपको बता दूं कि एक फेक आर्मी कर्नल जो है ये घूम रहा था बनकर, एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है कि विजयपुर पुलिस जंक्शन में ही इसका जो है वो घर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भाई बहन जो बताया जा रहा है कि उधमपुर के रहने वाले, उनको ये कोई झांसा देता है कि आपकी आर्मी में नौकरी लगवाऊंगा, एनसीसी में आपकी एडमिशन कराऊंगा, इस तरह का जो एक इनको जो है वो आप कह सकते हैं कि इनको ये प्रलोभन दिया गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अगर उस बच्ची की बात करें तो बच्ची के साथ जो है इसने दुष्कर्म करने की कोशिश की है, यानी रेप कमिट करने की कोशिश की है। लेकिन जब उसने शोर मचाया उस बच्ची ने, तो उसके बाद जो है वो तमाम लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद पुलिस स्टेशन विजयपुर की बात करें तो वहां की एक टीम जो है ये मौके पर पहुंची और उसको जो है मौके से गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं, इस एक्यूज्ड की बात करें जो आर्मी कर्नल बनकर घूम रहा था, श्यामलाल सनाफ शंकर दास रेजिडेंट ऑफ केसो मनासा तहसील रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सांबा का ये जो रहने वाला है। और पुलिस ने जिस तरह से सेक्शन लगाई है 376, 111 और 419 आईपीसी धारा के तहत पूरा मामला जो है विजयपुर पुलिस स्टेशन में जो दर्ज हुआ है। मैं इसी को लेकर आपको बताता चलूं कि जो एक कंप्लेंट जो है दर्ज हुई है जिस तरह से विजयपुर पुलिस स्टेशन में, तो जो एक्यूज अरेस्ट हुआ है वो बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने आप को आर्मी कर्नल बताता है। और ये यंग सिबलिंग्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक बच्ची है और एक लड़का है, ये दोनों भाई बहन हैं और जैसे मैंने सिबलिंग्स का जिक्र किया, ये उधमपुर जिला के रहने वाले और धोखे से जो है फॉल्स इंश्योरेंस इनको दिए जाते हैं कि मैं आपको एनरोल कराऊंगा एनसीसी में और उसके बाद रिक्रूट भी आपको कराऊंगा बेल्ट फोर्स में। तो इसी को लेकर ये जो है यहाँ पर इनको विजयपुर यानी रामगढ़ इलाके में लाता है, उसके बाद सुबह शाम जो है इनसे रनिंग भी कराता है, यानी विजयपुर रामगढ़ रोड पर सुबह शाम इनसे दौड़ लगवाता था। और इसी दौरान जो है इसने उस बच्ची की बात करें तो रेप कमिट करने की कोशिश की है। जब उसने ह्यूमन क्राइम मचाई तो उसके बाद यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन तक ये पूरा मामला जब पहुंचा, उसके बाद पुलिस स्टेशन विजयपुर की टीम मौके पर पहुंचकर इसको गिरफ्तार करती है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो वाक्य सामने आया ये काफी एक शर्मनाक वाक्य है और एक आप ये कह सकते हैं कि फेक, जिस तरह से हमें तमाम चीजें देखते हुए, इससे पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों से आईएएस ऑफिसर बनकर जो कुछ फेक लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो उसी को लेकर आप ये कह सकते हैं कि आजकल जो इस समय माहौल बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़ी पदवी पर जो वो पहुंचाने की कोशिश कुछ ऐसे शरारती तत्व करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ इसमें गलत करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को लेकर पुलिस जो वो लगातार इस समय एक मोटिव लेकर चल रही है कि ना सिर्फ जिस तरह से चोरों की धरपकड़ की जा रही है या फिर तमाम क्रिमिनल की धरपकड़ की जा रही है, अगर इस तरह के कोई ऐसे शरारती तत्व जिनका माइंड सेट इस तरह से दर्शाता है, इस तरह का कुछ गलत करने का दर्शाता है, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा जब पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल आपसे एक ऋषि एक सवाल यहाँ मेरा आपसे ये रहेगा, क्या इससे जब पूछताछ की गई तो इससे पहले भी कुछ इसने इसी तरह की कोई ठगी किसी के साथ की हो, कि क्योंकि बेल्ट फोर्स में लगाने की बात कही गई थी इसके द्वारा, तो क्या इससे पहले भी कोई लोग इसके संपर्क में आए हैं? देखिए, ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि जिस तरह से इनको जो है वो एक प्रलोभन दिया गया कि आपके नौकरी लगाएंगे, उस बच्ची को कहा गया कि मैं एनसीसी में आपकी एडमिशन कराऊंगा एनरोल कराऊंगा, तो मुझे लगता है कि कुछ वो लोगों को भी इसने अपना शिकार बनाया होगा और उसी को लेकर पुलिस जो है वो पूरा तह तक जाने की कोशिश कर रही है, पुलिस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है। मुझे लगता है कि अभी कुछ चीजें जो है वो सीक्रेसी हो सकती है पुलिस की, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नई चीजें आई है। मुझे लगता है कि जब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन को एक कंक्लूड करके एक पूरा चार्ट आउट डिटेल जो वो सामने आएगी कि क्या कुछ इसमें और चीजें सामने आई है, अगर इस तरह का फेक बनकर आर्मी कर्नल बनकर ये ऐसे काम कर रहा तो मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को प्रलोभन दिए होंगे कि मैं आपकी आर्मी में नौकरी लगवाऊंगा या इस तरह से चीजें हो सकती है। और मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस ने फोटो जारी किया है इसका, उसमें भी इसने एक आर्मी ट्रैक सूट जो वो पहन कर रखा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर कुछ ना कोई बड़े स्कैम जो वो कर रहा होगा। लेकिन ये जो स्कैम आप ये कह सकते हैं कि एक अपराध ये करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया, पुलिस ने अब जो है मामला दर्ज
कर आगे कार्रवाई एक बड़े लेवल पर शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया, और जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम श्यामलाल बताया जा रहा है, जो खुद को एक कर्नल बताता था, और उसी के आड़ में इसने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, और जब पता चला ये एक फेक कर्नल था और आर्मी के कर्नल बनने के रूप में उन दोनों भाई बहनों के साथ इसने फ्रॉड किया और जो लड़की थी उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी की। जम्मू हेरिटेज सोसाइटी द्वारा मुबारक मंडी परिसर में लगी सदियों पुरानी घड़ी को पुनर्जीवित किए जाने से अब ये घड़ी इस परिसर की पुरानी इमारत की शोभा बढ़ा रही है। इस घड़ी का जटिल तंत्र कई साल पहले झज्जर हो गया था और ये खामोश हो गई थी। हालांकि जम्मू हेरिटेज सोसाइटी के प्रयासों ने इस सांस्कृतिक धरोहर में नई जान फूंक दी है। अब हर एक घंटे के बाद इस घड़ी से निकलने वाले घंटे की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। मुबारक मंडी परिसर व इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने जम्मू हेरिटेज सोसाइटी के प्रयासों की सराहना भी की। आज भी कर रही है, आज मुड़ी इनकी रिपेयर की है और चल रही है फर्स्ट क्लास। आज तक देरी है, रात को चलती है, दिन को चलती है, चलती रहती है। जब घंटा होगा खड़के ही, जब घंटा होगा फिर बोलेगी। जब का ये लगा हुआ उसी का बना हुआ है, उस टाइम का बना हुआ सेटिंग पूरा किया हुआ है। जब का ये बना हुआ 200 साल 300 साल, ये तो हम नहीं बता सकते पूरा कब का बना हुआ, मगर लगता है ऐसा कि वो सदियाँ ही होगी बने हुए उनको। तो ठीक अभी चल रही है ना, अब ठीक किया उन्होंने, ठीक कराने से। ये सोच रहे हैं कि पिछली को ज़्यादा निकले, लोगों को अच्छा लगता है ये देखने से सुनने से। कोई चला रहा सर्कल कर रहा बढ़िया। तो इतिहास क्या है, ये हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि ये बहुत पहले जब से ये बनी थी ना तब से ये लगी थी, उसके बाद फिर ये ख़राब हो गई, फिर इसको उतार दिया। अब ये 4-5 साल से फिर जब ये गुलशन सिंह चाड़क साहब का ये डोगरा का वो आया उनके हाथ में, तो उन्होंने ये फिर दोबारा लगाई। लोगों की डिमांड थी ना, क्योंकि लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, देखते हैं समय और इसकी घंटी बजती है, लोग आसपास के घरों को पता चल जाता है क्या टाइम हुआ है। तो ये अच्छा है, लोगों को इसकी सहूलत है ना। आगे ये कहाँ, ये मोबाइल कहाँ होते थे, घड़ियाँ लोग कहाँ पहनते थे, यही घंटाघर बोलते थे पहले इसको, तो यही लगा था आसपास जितने भी मोहल्ले हैं ना, ये पक्की ढक्की, ये मुबारक मंडी, ये सब इसकी आवाज़ तो अब कम है ना, पहले बहुत आवाज़ थी इसकी, सब घरों में पता चलता था भी हो यही टाइम हो गया। तो उस टाइम आम लोगों के पास कहाँ होती थी घड़ियाँ, ये बड़ी आवाज़ आती है हूँ तो खैर घटी यदि आवाज़, पहले बड़ी घंटी होती थी ये मंदिरें घंटा बजता नहीं टन इं आवाज़ होती थी कि आस पास जिन्हें भी ये महल्ले हैं सारे ही पता लगता है भी घड़ी का टाइम। कई लोग तो इधर के घड़ी ऊपर के डिपेंड है। अब ये घड़ी काफ़ी देर की बंद हुई थी, अब इन्होंने दोबारा रिपेयर करके इसको अच्छे तरीके से रनमेंट किया हुआ है। अब पता चलता है आपने कि इतने बजे हैं, ये हर एक घंटे के बाद एक घंटा बजता है, आपने 2 बजे 3 बजे 3-3 घंटे बजते हैं, ऐसे ही गए पुराना इतिहास दोबारा रचा जा रहा है। महंगा चौंक तक जाती है इसकी, उधर 35 तक जाती है, यानी कि आसपास के जितने मोहल्ले हैं सबके आवाज़ जाती है, पुरानी यादें फिर दर्दराती हैं। बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगा आपने कि ये जो इतिहास दोबारा रचा जा रहा है बड़ी अच्छी बात है। हमने अब जो ये महल बन रहे हैं, बनते बनते टाइम लगेगा, इनको दोबारा वही माहौल आएगा। ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ये पुरानी जो भी मुबारक मंडी की जो भी धरोहर हैं उनको रिवाइव करने का, तो उनमें से ये एक घंटा घड़ी भी थी, तो इसको इन्होंने रिवाइव कर लिया है, अच्छे से ये अब बज रही है और हर जगह मतलब घंटा इसका पूरे एक्यूरेट टाइम पे बजता है और लोग पूरा अपना टाइम इसके साथ अब मैच करने लगे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है। हाँ जी, ये है कि ये कोशिश तो रहती है हमेशा कि हम पुरानी चीज़ों को रिवाइव करें फिर से और वो फिर से एक नए स्वरूप में सबके सामने आए, तो ये घंटा घड़ी जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये भी उसी का ही एक रूप है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके साथ अपना वो इसको देख रहे हैं और सबको लग रहा है कि हम मतलब पुराने अपने किस तरह की ये चीज़ होती थी उसको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने में लगे।
बैक टू विलेज के पांचवें चरण के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण हलकों के लोगों के मन की बात सुनी जा रही है। जम्मू के मड ब्लॉक के नागमनी फलोरा में आज जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर लोगों से मुलाकात की और इस इलाके की जरूरतों का जायजा लिया ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। खास बात यह रही कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता, डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण, बीडीसी चेयरमैन सुरेंद्र कुमार और जम्मू के डिफकॉम रमेश कुमार और साथ ही डीसी सचिन कुमार के साथ वहां पहुंचे। इसके अलावा इसके इलाके में भी करवाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी हासिल की और इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर जनहित योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया। तो हमारी खुशकिस्मती है हमारे मड़ ब्लॉक में और फलोरा नागवणी पंचायत में चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पधारे और उन्होंने डायरेक्टली लोगों से खुद सुना, खुद बातें की हैं और जो इनकी यहाँ की मेन मेन समस्याएं हैं उन पर उनको जानकारी दी गई है। तो यही होता है कि सीनियर अफसर जब आता है तो उसकी उसको अपनी जो परेशानियाँ हैं वो बतानी चाहिए और उन्होंने सुनी है। अक्सर उनकी थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी वो यहाँ आए, उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं। तो ये बैक टू विलेज में एक बड़ा सीनियर अफसर जो है वो एक पंचायत में आता है और यहाँ से लोगों की फीडबैक लेके वो सरकार तक पहुँचाता है और सरकार जो डिलीवर करती है उसमें सुधार करने के लिए ये जो सिस्टम सरकार ने डेवलप किया है ये बहुत अच्छा है। देखिए देखिए अब उन्होंने माना है कि जो उनकी पिछले साल की पेंडेंसी है, एक बिल जो जमा हुए थे ट्रेजरी में कैश नहीं हो सके, उन्होंने माना है कि ये मैं जल्दी, सब ने अभी कहा है कि मैं करवा दूंगा नंबर वन। और यहाँ मड़ ब्लॉक में 30,000 से ज्यादा 50,000 किसान होंगे। एक किसान ने अपनी समस्या बताई है कि उनकी लैंड का कोई मसला, कंपनसेशन का मसला है, वो भी उन्होंने कहा डी साहब से इसको देख के इसको फाइनल करो और डी साहब ने पहले भी उसको देखा है उस मसले को और उन्होंने कहा 25% जो है बड़ी जल्दी आपको दे दीजिए, बाकी भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आपको दीजिए इजाजत, नमस्कार।